हिमाचल प्रदेश में बरसात ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बीती रात कुल्लू और शिमला में भारी बारिश ने खूब तबाही मचाई। आपको बता दें कि कुल्लू के छोज गांव में आज सुबह 6:05 पर बादल फटने से 4 से 6 लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं इस घटना में 5 पालतू गाय और उनके बछड़े भी पानी में बह गए हैं। वहीं गांव के कई घरों को नुकसान भी हुआ है। आपको बता दें कि होम गार्ड और पुलिस प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुटा हुआ है। वहीं कुल्लू के मलाड़ा गांव में भी भारी बारिश के बाद सुबह 7:30 बाढ़ से काफ़ी नुकसान हुआ। इसमें मलाड़ा प्रोजेक्ट और भूतल तहसील भवन को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। बाढ़ के बाद इस भवन में 25 से 30 लोग फंस गए हैं, जिन्हें राहत एवं बचाव दल ने कुछ देर बाद सुरक्षित रेस्क्यू किया। तो वहीं रात को हुई भारी बारिश के बाद कई नदी और नाले उफान पर आ गए हैं। राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को और यहां आने वाले सैलानियों को उफनाते हुए नदी नालों के समीप नहीं जाने की सलाह दी है। इस तरह लोगों को भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में भी नहीं जाने की एडवाइजरी जारी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।